कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्नोएक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्या हुआ कि सैमसंग गैलेक्सी F62 इंडिया में लॉन्च हुआ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से काफी जस्टिफाइड था, क्योंकि एक बड़ी बैटरी, एक अच्छा प्रोसेसर, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले एक अच्छी खासी प्राइस पे दे रहा था। इसी स्मार्टफोन को रीब्रांड करके मलेशिया में M62 के नाम से लॉन्च किया सैमसंग वालों ने। सेम एग्जैक्ट वही स्मार्टफोन मलेशिया में लॉन्च हुआ M62 के नाम से। चलिए कोई बात नहीं, बाद में कुछ टाइम बाद मुकुल शर्मा ने एंड माई स्मार्ट प्राइस, जो कि एक काफ़ी रेपुटेड टेक वेबसाइट है इंडिया का, उन्होंने स्पॉट किया। सबसे पहले तो इसकी बैटरी स्पॉट हुई थी M62 5G की, फिर स्पॉट हुआ इसका मॉडल नंबर BIS, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये वेबसाइट है इंडिया का, उस पर सर्टिफाइड हुआ था, वहाँ पे स्पॉट किया गया। एंड इससे पता चला कि इसका 5G वर्जन जो है M62 का, वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है जल्दी ही। क्या है स्मार्टफोन, उसके ऊपर बात करेंगे सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये वही स्मार्टफोन है जो F62 है। क्यों सारी चीज़ों के ऊपर, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। चलते से वीडियो की तरफ और बात करते हैं M62 5G की, जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन सेम 99.99% सेम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F62। जब मैं 99.99% बोल रहा हूँ तो आप ये भी समझ लीजिए कि प्रोसेसर भी सेम ही होने वाला है। तो फिर कैसे वो 4G 5G हो गया, उसी ऊपर बात करेंगे। डिस्प्ले डिजाइन वही होने वाला है आपको, 6.7 इंच का फुल HD प्लस का एमोलेड का पैनल मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन होगा, पंच होल के साथ आएगा, अच्छी चीज है, 60 हर्ट्ज वाला ही होगा। रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट होगा, क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। कैसा दिखता है F62? सेम वही रहेगा, वही स्क्वायरिश हाउसिंग, कैमरा की सब कुछ सेम। जैसे मैंने कहा सारी चीजें सेम है, तो कैमरा भी सेम है, 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5-5 MP के डेप्थ, और मैक्रो सेंसर्स मिलेंगे। 32 MP वाला फ्रंट सेंसर होगा, दोनों साइड से आप 4K कर पाओगे, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। रियर साइड पे फ्लैश होगा, 7000 mAh की बैटरी बड़ी, उसके साथ 25W का चार्जर, टाइप सी का पोर्ट, यानी एक बड़ी बैटरी और एक फास्ट चार्जर, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें, वहां पे भी कोई इश्यूज नहीं है। सेंसर्स साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, तो आपको नॉक्स की सिक्योरिटी फुल फ्लैज मिलेगी, जो कि 1UI के ऊपर बेस्ड होगी। अब एस सिक्योर वाला वो इशू आ रहा है F62 में खाली, बाकी सब में तो नहीं आ रहा है, बट F62 में डाउनलोड नहीं हो रहा है गैलेक्सी स्टोर से, तो देखते हैं बाद में अपडेट पे आता है कि नहीं, या इसमें आता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन सारी चीजें सेम है, डेडिकेटेड स्लॉट रहेगा, वेरियंट 6GB 128GB 8GB 128GB आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा प्रोसेसर में इसमें आपको एक्सिनोस का 9825 का ही मिलने वाला है। तो जब 9825 का, तो उसमें 4G कैसे, इसमें 5G कैसे? 9825 5G रेडी चिपसेट है, ठीक है, इसमें 5G के मॉडेम जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे IQ3 देखा है आपने, उसका बेस वेरिएंट 4G है, 865 का चिपसेट है, लेकिन 4G है, बाकी सारे 5G। क्यों? क्योंकि बेस वाले में उन लोगों ने मॉडेम नहीं डाला है 5G का, एंड बाकी सब में डाला हुआ है। वैसे ही इसमें भी है, जो आपको F62 मिला हुआ है उसमें आपको 5G मॉडेम नहीं दिया है, उनका आता है एक्सिनोस का 5100 का 5G मॉडेम आता है, वो उसमें नहीं डाला हुआ है, एंड बाकी जो M62 आएगा उसमें डाल के आएंगे। तो पैसे प्राइस जो रहेगी थोड़ी सी बढ़ के आएगी आपको, 3-5 हज़ार रुपये जितने भी बढ़ के आए। देखेंगे एम सीरीज का पहला 5G फोन ये इंडिया में हो सकता है, क्योंकि BIS पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। एंड बाकी सारी चीज़ जैसे मैंने कहा, जो F62 स्मार्टफोन है अभी तक के रिपोर्ट्स के हिसाब से सेम वही होने वाला है। माई स्मार्ट प्राइस का जो रिपोर्ट आया हुआ है उसके हिसाब से एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन होने वाला है, सिर्फ आपको 5G मॉडेम के साथ आएगा, यानी 5G रेडी रहेगा स्मार्टफोन, अभी तक मुझे यही इन्फॉर्मेशन पता चला है। दोस्तों प्राइसिंग के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पॉसिबली आपको 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करें उसके लिए, वो देखेंगे सारी चीज़ें जैसे आएगा। लॉन्च की बात करोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहा तो अप्रैल के एंड तक, अभी तो BIS पे आ गया तो एक महीने में तो लॉन्च हो ही जाना चाहिए। अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है सैमसंग की तरफ से, उसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब BIS पे लॉन्च होता है तो पॉसिबली 1-1.5 महीने के अंदर लॉन्च हो जाता है स्मार्टफोन। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रैल एंड से पहले पॉसिबली शायद देखने को मिल जाए आपको, लेट्स सी, वेट करते हैं, जैसे भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलते रहेंगे। वैसे आपको इसके बारे में बता रहा, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैक्टे मुझे, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।